हेलो गाइस, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रैक्टिकल नेक्स्ट राउटर पे करने जा रहे हैं, जो साइड बी का जो राउटर है उस पे हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो पहले हम टोपोलॉजी समझते हैं, फिर देन उसके बाद हम इसमें कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं अपनी पीपीटी को ओपन करता हूँ और पीपीटी में हम देखते हैं कि R2, R1 और R1.1 अभी तक हमने ये कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। अब हम R2.1 के ऊपर जाएंगे और उसके ऊपर ही कॉन्फ़िगर करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने R1.1 पे किया था, वैसे ही R2.1 के ऊपर हम लोग कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो करते हैं कॉन्फ़िगरेशन शुरू। और ये जो IP सबनेट्स की अगर बात करें तो ये साइट बी के हैं। साइट बी की कॉन्फ़िगरेशन मेरी इस PPT में अगर आप ये देखें तो साइट बी के ऊपर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी IP स्कीम लगाई हुई है, जिसमें मैनेजमेंट VLAN 100 है, 120 है, 130 है, 140, 145, 150 और 160 और 170 VLAN है, जो कि मैंने यहाँ पर इसको डिफाइन किया हुआ है। तो एक हमारा इंटरफेस ट्रंक जाएगा ऊपर की तरफ जो R2 से कनेक्ट करेगा, और एक लिंक जाएगा हमारा ईथरनेट 4 की तरफ जिस पे ट्रंक होंगे और इससे मल्टीपल ये हमारे VLANs कॉन्फ़िगर होंगे विद IPs के साथ। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ ये है। तो हम लोग सबसे पहले एक OVF फाइल डिप्लॉय करेंगे अपने सर्वर पे। तो ये जो अब सर्वर जो रहने वाला है, अब जो ये सर्वर रहेगा हमारे टोपोलॉजी के अकॉर्डिंगली, अब ये ESXi सर्वर नंबर 2 होगा जिस पे हम लोगों को डिप्लॉय करना है, जो कि साइट बी पूरी डेडिकेटली इस पे कॉन्फ़िगर होगी और साइट ए हमारी इस वाली ESXi सर्वर 1 पे कॉन्फ़िगर होगी। तो ESXi सर्वर 2 पे जाकर हम एक R2.1 को हम कॉन्फ़िगर करेंगे और इसकी कनेक्टिविटी R2 के साथ होगी। जैसे कि R-1 की कनेक्टिविटी R-1 के साथ ही, ऐसे R-2.1 की कनेक्टिविटी R2 के साथ हम लोग इसको इस्टेब्लिश करने जाएंगे। तो ठीक है, हम इसको डिप्लॉय करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने ESXi सर्वर्स पे जाते हैं और उसके अंदर नेटवर्किंग पे देखते हैं। तो इसमें दो फिज़िकल लिंक्स हैं और ये कुछ पोर्ट ग्रुप्स बने हुए हैं जो मैंने पहले से ही बनाए हुए हैं। अब इसमें कुछ पोर्ट ग्रुप्स होंगे जो मैं पहले से ही क्रिएट कर लेता हूँ, और जब हम लोग OVF फाइल को डिप्लॉय करेंगे उस समय उस पर्टिकुलर पोर्ट ग्रुप को उसमें ऐड करते जाएंगे उसके फिजिकल निक के साथ साथ। तो यहाँ वर्चुअल मशीन पोर्ट ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, वर्चुअल स्विच हमारा 0 ही रहेगा। यहाँ पे हमें डिफाइन करना है अपलिंक -1-VLAN 160, और इसको VLAN नंबर 160 की ID डिफाइन करेंगे हम, नेक्स्ट और फिनिश। एक और हम यहाँ पे ऐड करेंगे अपलिंक वर्चुअल मशीन पोर्ट ग्रुप जो बनाएंगे, सेकंड अपलिंक होगा हमारा ये। तो यहाँ लिखेंगे अपलिंक 2-VLAN 170। तो ये हमारा VLAN 170 होगा और ये 170 VLAN ID रहेगी इसकी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिनिश। उसके बाद हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन अपलिंक्स की पूरी कंप्लीट हो गई है। हम इस होस्ट पे जाएंगे और इस होस्ट को इस पे डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय OVF टैम्पलेट, नॉट ए टैम्पलेट, इट्स ए OVF फाइल को हम करेंगे और यहाँ पे हम लोग अपलोड करेंगे फाइल को। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम जो डाउनलोड किया हुआ था वीवोस का जो राउटर है, हम का जो अप्लाइंस है, इसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। देन उसके बाद नेक्स्ट, और मैं इसका नाम क्या रखना चाहता हूँ, R-2.1 रहेगा इसका नाम। साइट ए, ये इंफ्रा का नाम है, एक्चुअल में साइट ए नहीं, इसका नाम इंफ्रा है और ये मुझे एक्चुअल में इसका नाम इंफ्रा ही रखना चाहिए था। तो मैं इसको भी इंफ्रा में भी रीनेम कर देता हूँ अभी, एक बार ये OVF डिप्लॉय हो जाए। देन उसके बाद हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ये वैलिडेट करेगा होस्ट में पूरे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे इसने अवेलेबल कर दिया कौन से डेटा स्टोर में आप इसे कनेक्ट करना चाहते हो। तो दोनों डेटा स्टोर में अगर देखें तो दोनों में कैपेसिटी पूरी फुल फ्रीली अवेलेबल है। तो मैं सेकेंड पे इसको ले जाता हूँ और इसको नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, और इंटरफेस को भी मैं टच नहीं करूँगा। आफ्टर ऑल इसके बाद जब ये डिप्लॉय हो जाएगा तब मैं इसको टच करूँगा। इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, जैसे कि हम लोगों को कॉन्फ़िगर करना है अपना इन्वायरमेंट। तो हम एक एक करके इंटरफेस को
एक्टिवेट करते जाएंगे और उनको कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ उसको मॉडिफाई भी करते जाएंगे। तो अभी ये एक बार ये फाइल इसमें डिप्लॉय हो जाए, एक बार वीएम क्रिएट हो जाए, तो उसके बाद फिर हम लोग आगे इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इस डीसी साइट की जगह इसको डीसी इंफ्रा कर देता हूँ इसका नाम, ताकि इसे कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि हमारी जो साइट ए और साइट बी है वो कन्फ्यूज़न पैदा करती है, इसीलिए इसका डीसी की जगह है खाली इसको मैं कर देता हूँ इंफ्रा, क्योंकि ये हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके अंदर सारे सारे फिजिकल होस्ट हमारे यहाँ पे कनेक्टेड है। तो आई थिंक यहाँ पे जब R2.1 पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और उसको करने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कितने फिजिकल इंटरफेस होने चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने पीपीटी के अंदर अपना डायग्राम जो डिज़ाइन किया हुआ है, हम उसी डायग्राम को फॉलो करेंगे। 1 2 3 4 चार इंटरफेस होने चाहिए, और हमारे इसमें ऑलरेडी कितने इंटरफेस हैं ज़रा हम ये चेक करेंगे, क्योंकि इसमें बाई डिफ़ॉल्ट 2 इंटरफेस तो कनेक्टेड आते ही हैं। आप उसके साथ साथ 2 इंटरफेस और ऐड कर सकते हो, तो मैं 3 इंटरफेस ऐड करूंगा। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं कि इसमें 2 इंटरफेस पहले से ही एडिड है, तो आई विल ऐड 3 मोर, ऐड एट एंड दिस इज़ द लास्ट वन। अब इसके बाद हम यहाँ पे अपलिंक नंबर जो हमारा रहेगा नेटवर्क अडेप्टर 1 है, जो ईथरनेट 1 है, इसको हम लोग अपलिंक 1 के साथ ही कनेक्ट रखेंगे, जो कि कनेक्टेड मोड में रहेगा। नेटवर्क अडेप्टर जो 2 है, इसको हम लोग सबसे पहले VMXNAT3 करेंगे, और इसको अपलिंक नंबर 2 के साथ इसकी कनेक्टिविटी बनाई जाएगी, जो कि हम लोगों ने अभी थोड़े पहले पोर्ट ग्रुप जो क्रिएट किए थे उसी पे हम इसको अटैच कर रहे हैं, और ओके पे क्लिक किया। तो यहाँ पे ये अपलिंक दो दो इंटरफेस हमारे रेडी हैं। तीसरा जो इंटरफेस जो रहने वाला है वो बेसिकली हमारा कनेक्टिविटी के लिए होगा, वो कनेक्टिविटी जो कि हाँ, ये जो इंटरफेस होगा ये हमारी कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करेगा ईथरनेट 3 से ईथरनेट 3 के बीच में। तो ये हमारा एक ईथरनेट 3 होने वाला है। तो मैं वापस आता हूँ वहाँ पे, ईथरनेट 1, ईथरनेट 2, और ये हमारा रहेगा ईथरनेट 3। तो इसको हम लोग ट्रंक लिंक पे डिफाइन करेंगे। तो नेस्टेड ट्रंक हमारा ये है, इसको हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो होगा वो ईथरनेट 4 होगा, जो कि मल्टीपल इतने सारे इंटरफेस के साथ कनेक्टेड होगा। तो मुझे भी यहीं पर वापस अपने कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में आना होगा, नेटवर्क अडेप्टर में, और यहाँ पे भी ब्राउज़ करना होगा, और इसको भी मैंने ट्रंक डिफाइन किया और ओके किया, और ये भी कनेक्टेड पे होगा। बट इनके अडेप्टर्स को मैं VMXNAT3 करूँगा, क्योंकि हाई थ्रू आउटपुट हमें मिलेगा यहाँ पे इससे। और इनपुट आउटपुट आईओ भी ये सपोर्ट करता है, तो हमारे लिए बेटर है, क्योंकि सीपीयू कंजम्पशन भी कम करेगा ये। तो अभी तक के लिए हम लोगों ने जो कॉन्फ़िगरेशन डाली है इसको इसको सिर्फ ओके पे क्लिक करेंगे, और अपने R2 राउटर को हम पावर ऑन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करते जाएंगे, और देन उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। तो पहले हमारा जो रहने वाली कॉन्फ़िगरेशन है वो है ईथरनेट 1, जिसको VLAN 160 की मेंबर देंगे, और ईथरनेट 2 जो 170 का मेंबर होगा। बट इनके आईपी एड्रेस क्या रहेंगे, तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बनाई हुई है। ईथरनेट 1 को आईपी क्या रहेगा, ईथरनेट 2 को आईपी क्या रहेगा, और ईथरनेट 3 पे आईपी क्या रहेगा। तो एक एक करके हम कॉन्फ़िगरेशन की तरफ मूव करेंगे। तो ठीक है, हम इस R2.1 राउटर का कंसोल लेते हैं, लॉन्च रिमोट कंसोल। ये हमारा बूट हो गया है। अब इसके अंदर यूज़र नेम VYOS हम देंगे, और VYOS रखा जाएगा। सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगर करेंगे, और सेट सिस्टम होस्ट नेम, जैसा कि हमने डिसाइड किया था इसका नाम R2 डॉट, ये रखेंगे सेट सर्विस SSH। तो ये हमने दो चीज़ें पहले एक्टिवेट कर दी हैं, और इसको हम सेव कर देते हैं। उसके बाद हम कमांड के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो हम लोगों ने कमांड इसमें कॉन्फ़िगर करनी है, हम उसके अकॉर्डिंग ही इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने ये
R2.1 के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे अपने इंटरफेस पे, जो कि हमारा इंटरफेस कौन सा है, ईथरनेट 0। तो सेट इंटरफेस ईथरनेट 1, ईथरनेट 1 में ही यहाँ लिखना होगा, और उसके बाद इसका MTU हम इसको 9000 देने वाले हैं। तर उसके बाद हम यहाँ पर इसको सब इंटरफेस बनाएंगे, क्योंकि ये VLAN नंबर 160 का होगा और डिस्क्रिप्शन हम डिफाइन करेंगे। ये डिस्क्रिप्शन होगा अपलिंक, किसका अपलिंक 1 VLAN 160। ये हमारा VLAN नंबर 160 होगा। हमने इसको एंटर प्रेस किया और उसके बाद इसको आईपी एड्रेस दिया जाएगा। तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन हम कॉन्फ़िगर कर रहे थे इसमें, इसको हम लोग डिस्क्रिप्शन तक हटाएंगे और इसको एक एड्रेस असाइन करेंगे, जो कि एड्रेस हमारा जो रहने वाला है 10.0.150.161/28 का रहेगा। एंड देन उसके बाद हमें ये हमारा इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गया। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट रहेगा सेकेंड इंटरफेस होगा, जो कि ईथरनेट 2 होगा। हमारा ईथरनेट 2 पे हम लोग जाएंगे और उसको हमने यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई है, क्योंकि ये 2 यहाँ लिखना था, 2 ये पीछे लिखा गया है, इसको पहले मैं ठीक करता हूँ। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्रिप्शन डालेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में डालने जाएंगे अपलिंक -2, देन उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे VLAN -170 और ये हमने इसको एंटर प्रेस कर दिया। तो हमारा ये वाला डिस्क्रिप्शन भी हो गया। देन उसके बाद हम इसको एक आईपी एड्रेस भी अलाउ करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग इसकी डिस्क्रिप्शन हटा रहे थे और यहाँ पे हम लोग इसको देंगे एड्रेस। एड्रेस जो रहने वाला है वो क्या है, 10.0.150.177/28 का रहेगा। और ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुई है इन दोनों की, तो मैं कमिट कर लेता हूँ और सेव भी करूँगा। इंटरफेस ईथरनेट 2 डुप्लेक्स ऑटो ऑपरेशन नॉट सपोर्टिंग, नॉट सेटिंग ऑटो नेगोशिएट। ओके, इसको भी हम सेव कर लेते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, तो शो इंटरफेस चेक करते हैं। आईपी एड्रेस इसको असाइन हुआ है, बट ईथरनेट 2 के ऊपर ही आईपी असाइन हुआ है। हमें ईथरनेट 2 के 1.70 को आईपी देना था, जो कि यहाँ पे गलती हुई हमसे। तो पहले इसको हटाने की जो कमांड होती है, आई थिंक आप लोग जानते हैं, अगर नहीं है तो दोबारा से हम इस चीज़ को भी कर लेते हैं। तो ये भी एक तरह की ट्रबल शूटिंग हो जाती है। डिलीट करना है हमें सबसे पहले, उसके बाद हमें इंटरफेस ईथरनेट, ईथरनेट में हमारा ETH2 होगा और एड्रेस हमने इसको यहाँ से हटा दिया। देन उसके बाद सेट कमिट करेंगे। कभी भी कोई चीज़ हटाते हैं तो उसके बाद एक कमिट जरूर कर दीजिए और सेव कर दीजिए। देन उसके बाद आप चेंजेस करने जाइए, सेट इंटरफेस ईथरनेट, ईथरनेट 2, एंड देन हमारा जो रहेगा VIF VLAN नंबर 170, और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस जो आएगा 10.0.150.177/28 का रहेगा। और देन उसके बाद हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर क्योंकि हमें डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी यहाँ पे। और जो पहले डिस्क्रिप्शन दी थी मैं उसको भी डिलीट करूँगा। आप उप्स, ये कुछ कीबोर्ड में हो रहा है, अपलिंक -2 VLAN, देन उसके बाद 170, और यहाँ पे मैंने इसको अपलिंक को मैंने एक्टिवेट कर दिया।
इसको डिस्क्रिप्शन डाल दिया, और उसके बाद हमें एमटीयू साइज सेव एमटीयू साइज चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिजिकल इंटरफेस पे ही एमटीयू साइज सेव होता है। कि लास्ट टाइम जब हम लोग कन्फिगर कर रहे थे तो हमें एक एरर भी आया था, उस एरर के अकॉर्डिंग फिर हमें समझ आया कि हम लोगों ने जो एमटीयू डाला है वो सब इंटरफेस पे डाला, जो कि गलत है। तो यहाँ पे शो इंटरफेस करेंगे एक बार ज़रा हम लोग, और शो इंटरफेस में देखते हैं कि यहाँ पे एमटीयू साइज वीएफ और ऊपर वीवीआईएफ 160 है, और दोनों में आईपी एड्रेस हमने फुलफिल प्रोवाइड किए हैं। और उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा ईथरनेट 3 है। तो ईथरनेट 3 के लिए हम लोग यहाँ से करेंगे सैट इंटरफेस ईथरनेट ETH 3, और इसका MTU साइज हम डिफाइन करेंगे 9000, एंटर प्रेस करेंगे सबसे पहले। और उसके बाद हम लोग ETH 3 पे एक एड्रेस, क्योंकि ये जो इंटरफेस है ये कोई सब इंटरफेस नहीं बनेगा, क्योंकि ये सीधा एक L3 इंटरफेस बनेगा। तो 10.0.150.146/28 का होगा, एंड देन उसके बाद हम इसको एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, जो कि अभी तक हम जहाँ पे भी काम करते आए हैं, अभी पुराने वीडियोस में हम हर जगह हमने डिस्क्रिप्शन दिए, तो वैसे ही हम यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन देंगे। R2.1 से कनेक्टिविटी R2 की जाएगी, और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं और कमिट करते हैं। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, इसमें भी कुछ इशू है। ये भी कह रहा है कि कैन नॉट सेट ए न्यू सेटिंग ऑपरेशन नॉट सपोर्टिंग नॉट सेटिंग ऑटो नेगोशिएट। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको भी चेक कर लेते हैं। अभी कमिट करते हैं, सेव, और उसके बाद एग्जिट करते हैं, शो इंटरफेस चेक करते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर ईथरनेट 3 है, और जो कि ये लिंक अप में है, और लास्ट टाइम हमें जो इशू आया था वो यही आ रहा था कि हम पिंग नहीं कर पा रहे थे ईथरनेट 3 से R1.1 से R1 के बीच में। तो बट मेरे को यहाँ पहले टेस्टिंग करनी होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ इशू कहीं ना कहीं रह जाता है जिसके कारण कम्युनिकेशन नहीं होती है। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से हमें लग रहा है कि ये पिंग नहीं कर रहा है, तो मुझे R2 राउटर पे भी चेक करना होगा कि क्या हमने उस पर कन्फिग्रेशन क्या डाली है और उस पर क्या कन्फिगर है। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम सारे आईपी डाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको एक एक करके ट्रबल शूट करेंगे, तो आई थिंक बेटर रहेगा। और किन किन आईपीओ से हम पिंग कर पा रहे हैं और किन किन आईपीओ से पिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद के जितने भी इंटरफेस हैं वो सारे के सारे हमारे उनके ऊपर हमें आईपी एड्रेस देना मैंडेटरी हो गया है। तो कन्फिगर करेंगे यहाँ पे सेट इंटरफेस ईथरनेट 4, और उसके बाद एमटीयू हम यहाँ पे 9000 डिफाइन कर देते हैं। ओके, यहाँ पे एरर जो इसलिए था क्योंकि मैंने यहाँ पे ETH नहीं डिफाइन किया था, और इसको कमिट कर देते हैं। और कमिट करने के बाद इसमें कुछ ना कुछ इशू है, जो कि बार बार मुझे ये कह रहा है कि ईथरनेट 4 पे डुप्लेक्स ऑटो नेगोशिएट में सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो डुप्लेक्स का भी इशू हम लास्ट में देखेंगे, बट पहले हम एक एक करके आईपी देखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं सेट इंटरफेस ईथरनेट ETH 4, और देन उसके बाद हमारा जो VIF रहेगा और VLAN नंबर 100 है हमारा। देन उसके बाद हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देंगे और मेंशन करेंगे किसके लिए -VLAN 100, और उसके बाद इसको डिस्क्रिप्शन तक हटाएंगे, एड्रेस देंगे, एड्रेस में 10.0.100.1/24 का रहेगा। ऐसे ही फिर हम लोग दूसरा एक और आईपी देंगे, जो कि वी मोशन के लिए होगा, और यहाँ पे 120 किया VLAN वी मोशन और 120, और यहाँ पे एड्रेस जो रहने वाला है वो रहने वाला है 10.0.120.1/24 का रहेगा भाई। इसमें ऐसे ही एक और हमें देना होगा वी लाइन नंबर 130, और ये जो रहने वाला है इंटरफेस हमारा रहेगा वी सैन और विले नंबर 130 का, और 130 का जो आईपी एड्रेस होगा वो
130 रहेगा। उसके बाद 140 की बात की जाए तो 140 में होस्ट टैप VLAN 140 और इसका जो IP एड्रेस होगा वो भी होगा, यहाँ पे एड्रेस आएगा, एड्रेस में 10.0.140.1/24 और 145 के अंदर यहाँ पे रहेगा एज, EDG एज, और 145 और उसके बाद हमारा यहाँ पे एड्रेस रहेगा। एड्रेस जो रहने वाला है 10.0.150, सॉरी ये एच का जो आईपी रहेगा, हाँ 150 140 दिया इसका, 150.1/26 का रहेगा इसमें, क्योंकि ये सबनेटेड रहेगा, क्योंकि इसमें आईपी हमें कम चाहिए होंगे इसीलिए इसको सबनेटेड किया गया है। और लास्ट वन जो रह गया है विच इज़ 150 और इसका नाम चेंज होगा, जिसको बोलेंगे आर टैप, आर टैप रखा है और इसको वीले नंबर 150 में हमने इसको एड ऑन किया और इसके बाद इसमें एड्रेस इसका ऐड किया जाएगा, ऐड होगा 10.0.150.65/26। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमने की और कमिट किया, सेव किया और यहाँ से एग्ज़िट। तो शो इंटरफेस चेक करते हैं तो हमें इंटरफेस सारे अप दिखाई दे रहे हैं, अगर हम यहाँ देखें तो सारे इंटरफेस अप हैं। और जैसा कि हमारे अपलिंक्स की बात करें, वीलैन नंबर 160 और 170 वो भी हमारे अप दिखा रहे हैं और ईथरनेट 3 भी हमें दिखा रहा है, बट अब हम लोग उसको ट्रबल शूट करके देखें किस इंटरफेस में क्या कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं। तो एक बार फिर हम दोबारा पिंग करके देखते हैं कि क्या हम पिंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। पिंग स्पेस 10.0.150.145, क्योंकि 146 हमारे नीचे राउटर पे है तो 145 ऊपर की तरफ राउटर पे होगा। तो हम ज़रा टोपोलॉजी को पहले चेक कर लेते हैं और हम क्या सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारे राउटर का IP 150 का 146 है और 145 है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि R2.1 के अंदर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। तो उससे पहले यहाँ जाएंगे हम अपने मैनेज और वर्चुअल मशीन सेटिंग्स में और देखेंगे ईथरनेट 3 के ऊपर ट्रंक है या नहीं है। तो ईथरनेट 1, ईथरनेट 2 और ईथरनेट 3 जो कि नेस्टेड ट्रंक के नाम से हमें यहाँ पे शो हो रहा है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर कन्फिगर में है। तो अब बारी आती है R2 की, R2 पे भी चलते हैं और R2 पे चलने के बाद सबसे पहले शो इंटरफेस हम चेक करेंगे। शो इंटरफेस में देखते हैं कि हमारा एक ईथरनेट 0 ही डाउन है, बाकी सारे इंटरफेस अप हैं। तो हम क्यों ना उसको भी चेक कर लेते हैं, बट पहले हम ये देखते हैं कि ईथरनेट 3 पे जो 145 का जो IP दिया गया है, क्या उसे, आई थिंक इसमें कुछ इशू है इस कंसोल पे, तो हम इस कंसोल को क्लोज कर देते हैं। हम दोबारा वेब से लॉगिन लेंगे, R2 राउटर पे चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं और एडिट सेटिंग्स पे हम मूव करते हैं और देखते हैं कि क्या हम इस नेटवर्क को भी एक्टिवेट कर देते हैं और हमारा जो ईथरनेट है ये भी हमारा नेस्टेड ट्रंक पे ही कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन भी ओके है। तो ज़रा एक बार हम इंटरफेस को भी हमने टिक किया है, तो आई थिंक दो दो सेशन खुले हुए, एक एक सेशन ही खोलना ही बेटर रहेगा, मल्टीपल सेशन खोलने से भी कन्फ्यूज़न पैदा होती है। तो हम इसका रिमोट लेते हैं अगेन, तो अब ज़रा यहाँ से पिंग करते हैं 10.0.150.145 जो कि खुद का IP है, बट हम 146 को पिंग करते हैं तो 146 से पिंग नहीं आ रहा है।
तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो इंटरफेस भी अप है, कॉन्फ़िगरेशन भी हमारे राइट डायरेक्शन में है, बट ये कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि दोबारा से मुझे ईथरनेट ज़ीरो ही लेना पड़ जाएगा, जिसमें ये पहले भी प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई थी हमारी। तो मैं अभी फटाफट इसको 145 वाले को हटाकर इस पर हम लोग ईथरनेट ज़ीरो पे इसको मूव कर देते हैं, जिस पर ये आईपी एड्रेस आया हुआ है। तो अभी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन हटाते हैं, इस पर से कॉन्फ़िगर करेंगे डिलीट इंटरफेस, और हमारा जो ईथरनेट 3 इंटरफेस है उस पे से हम लोगों ने क्या करा, एड्रेस हमने इसको हटा दिया। उसके बाद इसको कमिट किया, सेव किया, सेट इंटरफेस ईथरनेट ETH 3, ईथरनेट 3 नहीं आएगा, ईथरनेट 0 रहेगा, एड्रेस 10.0.150.145/28। तो ये हमको यहाँ से करना होगा, और एक बार हम इसको कमिट करते हैं, बाद में हम इसके डिस्क्रिप्शन को भी बट इसने एक एरर दिया कि आप इसके ऊपर DHCP IP पहले से डला हुआ है, तो आप इसको IP नहीं दे सकते। बिल्कुल सही, करेक्ट एरर है। तो हम इसको भी हटाते हैं, डिलीट इंटरफेस ईथरनेट ETH 0 एंड देन एड्रेस DHCP कमांड होगी, उसे हटेगा इंटरफेस। अब उसके बाद हम अपना कमिट करेंगे, DHCP सर्विस बंद हो गई है। अब उसके बाद हम अपना IP एड्रेस साइन करते हैं, और उसके बाद कमिट करते हैं और सेव करते हैं। तो यहाँ पे जब सेव करके बाहर आते हैं, शो इंटरफेस करते हैं, तो यहाँ पे हमें अपना आईपी हमें नज़र आ रहा है। बट उससे पहले डिस्क्रिप्शन को भी हटा लेते हैं, तो जिसमें डिलीट इंटरफेस ईथरनेट ETH 3 डिस्क्रिप्शन ये हट गया है, और सेट इंटरफेस ईथरनेट ETH 0 डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में हमारा रहेगा R-2 to R-2.1, और इसको एंटर प्रेस किया, सेट करेंगे इंटरफेस ईथरनेट ETH 0 MTU 9000, और उसके बाद को हम कमिट कर रहे हैं और ये सेव। तो आई थिंक यहाँ की जो कॉन्फ़िगरेशन है ये तो पूरी हो गई है, और अब यहाँ से इसको एग्जिट करके शो इंटरफेस अगेन करते हैं। तो यहाँ पर हमें कॉन्फ़िगरेशन में 145 नज़र आ रहा है, और ईथरनेट 3 को हमने छोड़ दिया यहाँ पे। उसके बाद हम लोग चलते हैं R2.1 पे, जो कि हमने यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ था, इसको भी हटाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से रन शो इंटरफेस, रन आई थिंक हम भारी हैं इसीलिए हमें रन कमांड चलाना नहीं पड़ेगा। तो ये ईथरनेट 3 की इंटरफेस की भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से रिमूव करते हैं। तो कॉन्फ़िगर डिलीट इंटरफेस ईथरनेट ETH 3 एड्रेस और डिस्क्रिप्शन ये हमने यहाँ से हटा दी, और इसको कमिट कर दिया और सेव कर दिया। सेट इंटरफेस ईथरनेट ETH 0 एड्रेस 10.0.150.146/28, हमने यहाँ पे इसको आईपी दिया, डिस्क्रिप्शन दिया R2.1 to R.2, ये हमने किया। सेट इंटरफेस ईथरनेट ETH 0 MTU 9000, कमिट, सेव, यहाँ से एग्जिट किया, शो इंटरफेस चेक करते हैं। तो हमें यहाँ पे इंटरफेस में 10.0.150.146 से खुद के इंटरफेस से पिंग आ रहा है, 145 से पिंग नहीं आ रहा। एक बार हमने इसका चेक करना होगा कि ये किस से कनेक्टेड हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली ये ट्रंक होंगे। तो ये जो है अपलिंक 160 से है, जो कि हम लोगों को इसको हम लोग सीधा ट्रंक पे डाल देते हैं, और देखते हैं कि कम्युनिकेशन चालू हो गई, कम्युनिकेशन ओके हो गई है। क्योंकि हमारा अगर R2 डॉट पे जाके चेक करें तो वहाँ पर भी
ऑलरेडी आई थिंक ट्रंक होना चाहिए। तो यहाँ पे जाकर चेक करें तो ये वीएम नेटवर्क में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ट्रंक पे डाल देते हैं और ये कम्युनिकेट करेगा और कम्युनिकेशन हमारी चालू हो गई है। अब इसके बाद यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर रह गई है तो वो चेक कर लेते हैं। शो इंटरफे शो कॉन्फ़िगरेशन हम चेक करेंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन में कोई कॉन्फ़िगरेशन ऐसी रह गई है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको भी अभी हाथ क्या ठीक करेंगे। तो ईथरनेट 0 पे MTU सही है, स्पीड भी ओके है और ईथरनेट 2, 3 हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ईथरनेट 4 यूज़ कर रहे हैं जिस पे हमने सिर्फ एक कनेक्टिविटी बनाई है जो कि R2 से R1 के बीच में है और वो भी वर्किंग में है। और यहाँ की कॉन्फ़िगरेशन R2 की तो ओके है, बट हमें चेक करनी होगी नीचे वाले जो कि राउटर है हमारा, शो इंटरफेस। तो इंटरफेस में डिस्क्रिप्शन भी हमारी सही ऑर्डर में गई हुई है और इस पे 2 IP हमें मिल रहे हैं जो कि आपको यहाँ नज़र आएगा DSCP से है। तो DSCP वाली कॉन्फ़िगरेशन में उड़ा देता हूँ। कॉन्फ़िगर करेंगे डिलीट इंटरफेस ईथरनेट ETH0 एड्रेस DHCP, क्योंकि यहाँ पर ये एड्रेस हमें हटाना ही पड़ेगा क्योंकि ये DHCP को भी ले रहा है। कमिट रन शो इंटरफेस, तो देखिए आप ये उठा रहा है IP, वो भी किसका, DHCP से उठा रहा है, तो हमें इसको भी रिमूव करना होगा। तो कमांड होगी डिलीट इंटरफेस ईथरनेट और ETH0 एड्रेस कॉन्फ़िगर सेट रन शो इंटरफेस, नहीं दिखा रहा है, डिलीट इंटरफेस ईथरनेट ETH0 एड्रेस। कॉन्फ़िगरेशन मैंने हटाई तो है, बट देखो लेट्स सी क्या होता है। रन शो इंटरफेस DSCP कॉन्फ़िगरेशन इसमें नहीं है, बट फिर भी हमारा ये इंटरफेस IP उठा रहा है। और तो देखते हैं ये डाउन पड़ा हुआ है इंटरफेस और अभी कोई IP नहीं है, तो ठीक है। अभी जो इंटरफेस पे IP आ रहा है 250 का, 23 आ रहा है, ठीक है। अभी हम लोग मीन टाइम इसको दोबारा से सेट कर देते हैं। सेट इंटरफेस ईथरनेट ETH0 एड्रेस 10.0.150.146/28 और कमिट करके सेव करके बाहर आते हैं और एग्ज़िट करते हैं। शो इंटरफेस करेंगे तो यहाँ पर इसने IP लिया तो है, बट ये 2 IP ले रहा है तो जो कि एक्चुअल में नहीं लेना चाहिए। 150 डॉट का 145, तो इससे पिंग आ रहा है। अब हम चेक करेंगे कि हमें रूट्स की इंफॉर्मेशन अभी नहीं आएगी क्योंकि अभी तक हम लोगों ने राउटिंग इनेबल नहीं की है, तो राउटिंग जब तक इनेबल नहीं होगी तो वो कॉन्फ़िगरेशन एक्सचेंज नहीं करेगा और R1 R2 राउटर के बीच में टेबल एक्सचेंज नहीं होगी। तो ठीक है, तो अब हम चलते हैं R2 राउटर पे और R2.1 राउटर पे। तो R2.1 राउटर पे जाते हैं और BGP कॉन्फ़िगरेशन की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ के अकॉर्डिंग हम करेंगे जो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब की है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे सेट प्रोटोकॉल BGP, आई थिंक वी आर नॉट सेट इंटरनली, तो कॉन्फ़िगर किया सेट प्रोटोकॉल BGP 6.5। अब यहाँ पर जो ऑटोनॉमस सिस्टम है वो 6.5.1.1.6 नहीं रहेगा, तो यहाँ पे करेक्शन यहाँ पे ये रहती है कि यहाँ पे जो ऑटोनॉमस सिस्टम है वो हमारा क्या रहेगा। तो ये देखिए 6.5.1.1.7 है, तो मेरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक की हुई है जो कि 6.5.1.1.7 होना चाहिए। ये जल्दबाजी में कॉपी पेस्ट हुआ है, बट इसमें मुझे ऑटोनॉमस सिस्टम भी
चेंज करना होगा 6517 6517 6517, तो ये सारा का सारा मैंने इसको 7 में डाल दिया है, ठीक है। और जो नेबर होगा फर्स्ट वो भी 6517 पे होगा। तो ये हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन बनने के बाद मैं जो मैंने पीपीटी फर्स्ट वीडियो में ऐड की थी, मैं उस पीपीटी को ये वर्ज़न 1 करके मैं उसमें शेयर करूँगा, ताकि एटलीस्ट आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और यहाँ पे भी मुझे इंटरफेस जो चेंजेस करने थे, ईथरनेट 3 की जगह मुझे इसको ईथरनेट 0 करना है, बाकी रेस्ट ऑफ कन्फिग्रेशन सेम रहेगी, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुए हैं इसके सिवा। तो ठीक है, R2.1 पे चलते हैं दोबारा से। यहाँ पे सेट प्रोटोकॉल 6517 रहेगा, नेबर नेबर में 10.0.150.145, रिमोट AS 65117 रहेगा यहाँ पे, देन उसके बाद सेट प्रोटोकॉल BGP और उसके बाद 150 का 162। ये बेसिकली हमारा जो T0 होंगे उसके लिए है, क्योंकि वहाँ पर 65118 रहेगा, T0 जो रहेगा हमारा eBGP नेबर बनेगा। और ऐसे ही फिर एक और IP होगा जो कि 178 है, ये उसके साथ नेबर रिलेशनशिप बनेगी। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट हॉप सेल्फ डिफाइन करना है, जो कि हमारा IBGP है, नेक्स्ट हॉप सेल्फ रहेगा जो कि R-2 राउटर बनेगा। अब उसके बाद हमें अपने नेटवर्क एडवर्टाइज करने हैं, जैसे कि हम साथ जो कनेक्टेड है, ये हमारा मैनेजमेंट नेटवर्क है, देन VMotion, देन होस्ट ऐप, देन एच में 150 का 26 होगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना होगा 150। और देन उसके बाद हमारा जो रहेगा 150 का 64, ये हमारा रहेगा RTAP का, जो कि RTAP की कम्युनिकेशन होगी। और देन उसके बाद हमारे जो लिंक कनेक्टेड हैं उनके सबनेट्स हैं ये 150 का 160 और 176 और 144। तो हम एक तरीके से स्ट्रीमलाइनली काम कर रहे हैं, और इसको हम कमिट करेंगे और सेव करेंगे और एग्जिट करेंगे। अब इसके बाद हम राउटिंग प्रोटोकॉल के रूट्स की इंफॉर्मेशन का वेट करेंगे कि हमारे पास रूट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये देखिए, रूट्स आने शुरू हो गए हैं, और रूट हमारे पास 1.0, 2.0, 4.0, 5.0, 5.64, 5.120, ये सारे के सारे रूट हमें लर्न हो रहे हैं किसे, IBGP से। तो अगर यहाँ पे हम चेक करें शो IP BGP और समरी कीवर्ड लिखें, तो सबसे पहले हमें नज़र आएगा कि 145 के साथ हमारा नेबर रिलेशनशिप है, 162, 178 ये दोनों हमारे T0 के होंगे, जो अभी तक अभी हमने क्रिएट ही नहीं किए, तो इसीलिए नेबर में है। तो उसके बाद हम यहाँ चेक करेंगे शो आई पी बी जी पी, इतने में चेक करेंगे तो हमें सारे सारे रूट्स की इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। 10.0.1.0 हमें IBGP जो हमारा नेबर है उसके थ्रू हमें लर्न हो रहे हैं, और 65116 के थ्रू ये रूट्स हमें यहाँ पे आए, उसके बाद इंटरनली हमें IBGP से लर्न हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये रूट एडवर्टाइज हो रहे हैं और एक दूसरे के साथ ये कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो अब एक टेस्टिंग करते हैं, जो कि वहाँ का एक IP है 10.0.1.1, एंड देन इसको पिंग करते हैं, रिप्लाई आ रहा है। और वहाँ पे एक हमने एक ESXi सर्वर बनाया, वी सेंटर का IP 1.4 है, तो क्या हम उसको आई थिंक 4 है या समथिंग कुछ IP है, मुझे डाउट है कि शायद ये 4 नहीं, कुछ और IP होगा। तो ये मैंने इसे रैंडमली पिंग करके देख रहा हूँ, तो माइट बी ये शायद डिफरेंट IP हो, बट हम अगर गेटवे को पिंग कर पा रहे हैं तो उसके नेटवर्क के IPs को भी पिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से 2.1 को भी पिंग करके देखता हूँ, तो कम्युनिकेशन हो रही है, और 3.1 को भी, 3.1 हमने नोटाइज नहीं किया था, 4.1 नोटाइज किया था, पिंग आ रहा है। अब हम जरा ट्रेस करते हैं, ट्रेस रूट करेंगे, ट्रेस रूट में हमारा 10.0.1.1, तो हम कैसे ट्रैफिक जा रहा है, तो ट्रैफिक जाने का जो वे है, तो जरा हम खोलते हैं अपना डायग्राम, उस डायग्राम के अकॉर्डिंगली हम अपना ट्रेस देखते हैं। तो ट्रेस कैसे चल रहा है, तो देखते हैं, हम R2 राउटर पे बैठे हुए हैं,
R2 राउटर ने ट्रेस किया, सॉरी यह हमें यहाँ से देखना होगा क्योंकि ये डायग्राम ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इसके लिए, तो बेटर रहेगा इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अब जब हम लोगों ने ट्रेस किया R2 राउटर से, तो इसका सबसे पहले वो पहुंचा अपने नेक्स्ट स्टॉप आईपी पे, जिसका नेक्स्ट स्टॉप आईपी क्या है 145 है। देन वो ट्रैफिक गया 129 पे, तो R2 का जो नेक्स्ट स्टॉप आईपी है वो उसका आईपी है 129 है, और देन उसके बाद वो अपने इस राउटर R.1 के ऊपर वो ट्रैफिक को मूव कर रहा है, जिसपे आपका 10.0.1.1 है। तो इस तरीके से आपका ट्रैफिक कम्युनिकेशन चल रही है और दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो अब हम लोग रिवर्स भी चेक करके देखते हैं, जो कि R1 की बात करें तो R1.1, तो हम जाएंगे R1.1 पे, जो कि हमारे दूसरे होस्ट पे कन्फिगर है। इस पे राइट क्लिक करेंगे और इसका रिमोट कंसोल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे भी शो आईपी रूट करते हैं, तो राउटिंग टेबल में काफ़ी लंबी चौड़ी राउटिंग टेबल हमें नज़र आएगी, 100, 120, 140, 150 के काफ़ी सारे सबनेट्स हैं। तो हम एक किसी एक सबनेट को पिंग करके देखते हैं, फॉर द टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू 10.0.100.1 को पिंग करते हैं, तो पिंग आ रहा है। और इसको भी हम ट्रेस करके देख लेते हैं कि ट्रेस रूट 10.0.100.1 पे रीचेबल कैसे हैं। तो रीचेबल ऐसे हुए कि R.1.1 ने ट्रैफिक भेजा 5.145 को, देन वो ट्रैफिक गया 130 पे, देन उसके बाद वो जा रहा है इधर की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे राउटिंग टेबल आपस में एक्सचेंज हो रही है साइट ए से साइट बी के बीच में। अगर हम यहाँ पे शो आईपी रूट 0.0.0 सर्च करते हैं, तो हमें यहाँ पे राउटिंग एंट्री मिलता है कि ये हमें BGP के थ्रू मिल रहा है, और ये एक तरीके से नेक्स्ट स्टॉप हमारा कौन होगा 145 होगा। सेम वाइस वर्सा हम लोग अपने R2.1 पे भी जाके चेक करते हैं, उसमें भी कमांड डाल के देखेंगे शो आईपी रूट 0.0.0/0। तो हमें ये रूट कहाँ से मिल रहा है, हमें ये रूट मिल रहा है राउटिंग प्रोटोकॉल BGP से भी मिल रहा है, और राउटिंग एंट्री हमें 000 स्टैटिक रूट भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो ज़रा चेक करते हैं कि इसमें क्या मैनुअल रूट तो नहीं दिया हम लोगों ने। यस, इसमें एक मैनुअल रूट डाला हुआ है जो कि 000 वाया 172.16.1.1 से जाने का रास्ता, जो ईथरनेट 0 से बता रहा है। तो ठीक है, हमें सच हमने कोई इसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कर रही है, अभी सिर्फ हमें एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, क्योंकि ये प्रोडक्शन के कोई कंप्लीट सिस्को या अरिस्ता राउटर नहीं है या फिर जूनिपर राउटर नहीं है, जिसमें हम लोग पूरा लेगेसी नेटवर्क के अंदर जाकर हर चीज़ को मॉडिफाई करें। बट हमें अभी सिर्फ एक नेटवर्क बनाना था, जो हम लोगों ने अपने प्रैक्टिकल होम लैब के लिए NSXT फेडरेशन के लिए हम लोगों ने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब आगे जो बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे हम लोग अपने कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। साइट ए के अंदर हमने कुछ पार्ट कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो पहले उसको मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगा, फिर साइट बी को हम लोग देखेंगे, और साइट बी के ऊपर पूरा कॉन्फ़िगरेशन में बनाना होगा, तो एक एक करके हम सारी कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।